फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये पूछा कि आई विश के बाद कई बार सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होते हैं, लेकिन कई बार सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही होते हैं। जैसे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा कि आई विश आई वॉज या आई विश आई वर क्या करेक्ट है, यानी कास्ट वाले सेंटेंस में हमें आई के साथ वॉज का इस्तेमाल करना है या फिर वर का इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा कि आप वॉज और वर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका एक कंडीशन जो आपको समझना होगा, और वो कंडीशन ये है कि अगर आप कोई ऐसी चीज होने की ख्वाहिश करते हैं जो होना मुमकिन है या जो होना पॉसिबल है, तो आप इस सूरत में वॉज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई विश आई वॉज अ डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर होता, यानी इस इंसान के लिए डॉक्टर होना पॉसिबल है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ आई विश आई वर अ बर्ड, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस इंसान के लिए एक बर्ड होना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई ऐसी ख्वाहिश कर रहे हैं जो पूरी हो सकती है, तो इस सेंटेंस में आप आई के साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसी ख्वाहिश करते हैं जो चाह कर भी पूरी नहीं हो सकती, तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आई विश ही वॉज अ डॉक्टर, यानी काश वह एक डॉक्टर होता। तो फ्रेंड्स, इस इंसान के लिए डॉक्टर होना मुमकिन है, इसीलिए यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर मैं कहूँ आई विश ही वर यू, काश वह तुम्हारी जगह पर होता, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वह आपके जगह पर नहीं हो सकता है, ये मुमकिन ही नहीं, इसलिए यहाँ पर वर का इस्तेमाल किया गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कंसेप्ट को समझा कि आई विश के बाद सिमिलर सब्जेक्ट के साथ आप वॉज लिखेंगे कि वर लिखेंगे, या कब वॉज लिखेंगे और कब वर लिखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक और खास बात बता दूं कि स्पोकन इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस के साथ आमतौर पर सभी कंडीशन में वर का ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस तरह के कल्पना वाले सेंटेंसेस में आई के साथ वर का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। यानी अगर मैंने कोई ऐसा ख्वाहिश किया जो मैं हो सकता हूँ, फिर भी स्पोकन इंग्लिश में हम वर का ही इस्तेमाल। इसीलिए आमतौर पर जब आप किसी से इंग्लिश में बात करते हैं, तो आप आई के साथ वर का ही इस्तेमाल सुनेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर करेक्ट ग्रामर की बात की जाए, तो आप वाज या वर का इस्तेमाल ऐसे ही करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपने इस कंसेप्ट को समझा कि ख्वाहिश वाली सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कब लिखना है, या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब कब लिखना है। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा, तो क्या इस बात को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं देख सकूं कि आपने किस तरीके से सीखा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।